हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका जीएस टुडे पर। मैं ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं जनरल साइंस की क्लास लेकर, जिसमें दोस्तों हम लोगों का ये 3000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का मास्टर क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी तक टोटल कितने 6 पार्ट हमारे इसके हो चुके हैं और लगभग अभी तक हम लोगों ने इसमें कितने सवाल देख लिए हैं, 120 सवाल देख लिए हैं। ये इस मास्टर सीरीज का 7वां क्लास है। इसके बाकी के क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्लासेस आपके प्रतिदिन 9 बजे रात्रि को 9 PM पर ये क्लास होती है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और देखेंगे आज के कुछ अच्छे और बेहतरीन सवालों को। अभी हम लोग SSC के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं, फिर इसके बाद रेलवे के क्वेश्चन को भी इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें लाया जाएगा। इस क्लास की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? तो आपको इस क्लास की PDF मिलेगी GS by ज्ञान प्रकाश झा, ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर इस क्लास की PDF जो है आपको क्लास के 10 से 15 मिनट के बाद आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग नितांत कात्या जी, गुल्लू प्रधान जी, गौरव जी, शिव कुमार जी, विनीता जी, धीरज सारस्वत जी, नेहा शर्मा जी, राम पुकार जी, कुसुम सिंह जी, प्रियंका वर्मा जी, दिव्या शर्मा जी, ऋषभ मुखर्जी जी, अर्पिता सरकार जी, वनीता जी, चलिए सभी बच्चे जुड़ गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अखिलेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। शेयर आप लोग करते रहेंगे सभी लोग वीडियो को, और सभी बच्चे लाइक भी करते रहेंगे। मैं भी बढ़िया हूँ ऋषभ जी, है ना। मुकेश लाल जी भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को, ठीक है, और देखते हैं आज के कुछ अच्छे और बेहतरीन सवालों को, ठीक है। स्वर्णराज सिंह जी, गुड इवनिंग। सजन कुमार ठाकुर जी, आशीष कुमार जी, बहुत बढ़िया। विपिन पाल जी, बहुत अच्छे। चलिए तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इंक्रीज्ड बाय व्हाट, यानी कि एक तार का प्रतिरोध किस चीज से बढ़ता है, उसके लेंथ को बढ़ाने से, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा क्या है, ऑप्शन याद रखना है आपके पास है, एक लेंथ को बढ़ाने से, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाने से, या फिर इन सभी से। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा गया सवाल है ये, SSC स्टेनोग्राफर में, ठीक है। जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया घनश्याम गुप्ता जी, ठीक है, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दें। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका। अखंड भारत जी, पूजा रानी जी, अर्पित दयाल जी, बहुत बढ़िया। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, नए बच्चे क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे चैनल को। सोनू निगम जी, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दीबाजी है आपको जवाब देने की है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक से पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जवाब देना है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर जल्दीबाजी में गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का होता है वो होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। यानी कि देखिए, अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये अगर घटेगा तो भी हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, लेंथ भी बढ़ता है, और लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस फिर भी बढ़ेगा। यानी कि इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यानी कि इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। हमारा प्रश्न है आपसे, ये ओम जो थे, ये ओम किस देश के थे, ये आप लोगों को बताना है। ओम किस देश के थे ये आप लोगों को बताना, और सभी बच्चों ने वीडियो को शेयर भी करते रहना है, ठीक है ना। जल्दी से बताएं, ओम जो थे किस देश के थे, फटाफट। फटाफट इसका जवाब देंगे कि जो ओम थे ये किस देश के थे, क्योंकि इस बार ये CGL ने सवाल पूछा था, ठीक है, और शेयर भी करते रहेंगे सभी बच्चे, वेरी गुड। अर्पिता सरकार जी, बहुत बढ़िया। नेहा शर्मा जी, ऋषभ मुखर्जी जी, नजर अहमद जी, कुसुम सिंह जी, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। रविशंकर पाल जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका आप लोग जवाब दें कि जो जॉर्ज साइमन ओम थे ये कहाँ से थे, किस देश के निवासी थे। तो राम पुकार कुमार जी का जवाब आ चुका है, फुकू मिश्रा जी का जवाब आ चुका है,
ऋषभ मुखर्जी जी का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल गौरव जी, याद रखेंगे। इसका जो सही उत्तर है जर्मनी से, कहाँ से थे ओम साहब, ये थे जर्मनी से, ठीक है। तो चलते हैं इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इट्स डन बाय व्हाट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब के देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, रेटिंग होता है, तो वो रेटिंग जो होता है क्या क्या चीजें उस पर लिखी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। शेयर कीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग, और लाइक करते रहें, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर को ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते रहें, ठीक है। सेशन को यहां पर ये जो सवाल है ये कहां किसमें पूछा गया, एमटीएस 2006 में पूछा गया है। जब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने करी है, थॉमस अल्वा एडिशन, है ना। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका जो दोस्तों फिलामेंट होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, और टंगस्टन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इस डब्ल्यू से। बल्ब के अंदर जो होता है वो क्या होता है, आर्गन और नाइट्रोजन नामक गैस भरी जाती है, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या क्या लिखा होता है, लिखा होता है वहां पर 220 वोल्ट और ऐसे 100 वॉट या 50 वॉट या कुछ भी लिखा होता है। तो आप लोग जानते हैं 220 वोल्ट क्या होता है, 220 वोल्ट वोल्टेज होता है, और 100 वॉट जो है ये क्या होता है दोस्तों, पावर होता है। यानी कि वहां पर क्या क्या लिखा होता है, पावर और क्या लिखा होता है, वोल्टेज लिखा होता है, इस चीज को याद रखेंगे। तो यहां पर दोस्तों हमारा प्रश्न है आपसे, पावर का यूनिट तो आप लोग जानते हैं वॉट है, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और वोल्टेज को दोस्तों किससे हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है, और पावर को किससे, वाट मीटर, वाट मीटर से किसे मेजर किया जाता है, पावर को मेजर किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। हमारा प्रश्न है कोई बल्ब अगर 220 वोल्ट और 100 वॉट का है तो उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, आप लोगों को यह बताना है। कोई भी बल्ब जिसका रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वॉट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आप लोगों को यह बताना है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, फटाफट आप लोग बताएं, ठीक है। बहुत बढ़िया अर्पिता सरकार जी, बिल्कुल टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 74, बहुत अच्छे, बिल्कुल कमलेश विश्वासी, अब तो 15 वाट के एलईडी का जमाना है। लेकिन एलईडी में आपसे एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा, एलईडी से दो ही सवाल बनेंगे, एक तो एलईडी का पूरा मतलब पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा एलईडी बनता किससे है। तो एलईडी बनता है किससे, तो याद रखेंगे गैलियम और किससे, आर्सेनाइड, इससे मिलकर बनता है एलईडी, ठीक है। यहां पर एलईडी से यही सवाल बनेगा, बाकी एग्जाम में आपके इसी प्रकार के अभी भी बल्ब से ही प्रश्न पूछते हैं वो, ठीक है। बिल्कुल एसआई यूनिट जो होता है साउंड के इंटेंसिटी का, ऋषभ मुखर्जी जी, वो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी तक हमारे पास कुछ बच्चों का ही जवाब आया है, जैसे धीरज सारस्वत जी का जवाब आया, बहुत बढ़िया धीरज जी, जो इन सवालों का जो बच्चे जवाब दे रहे हैं ना, समझिए उन बच्चों, वो बच्चे पक्का सिलेक्शन लेकर जाएंगे, है ना, उनसे हमें पक्का मिठाई खाने का मौका मिलेगा। काजू चौहान जी बहुत बढ़िया, सयक पाल जी बहुत अच्छे, जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल शानदार जवाब दे रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे जवाब दीजिए इसका कि अगर कोई बल्ब है जिसका रेटिंग 220 वोल्ट 100 वॉट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और शेयर करते रहिए सभी लोग, यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस निकालना है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर होता है, आर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी का फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, ये 484, उसके बाद क्या हो जाएगा 00 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, ये जब काट देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 484 ओम आ जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया ये 484 कैसे आया, सभी को क्लियर हो गया ये चीज़ कि 484 कैसे आया इसका, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है, चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है, याद रखेंगे। और लास्ट में आज मैं एक बेहतरीन न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल आज कराऊंगा, एक दिमाग घुमाने वाला थोड़ा सा, है ना। संजय चौधरी जी देखिए ऐसा इसलिए कहता हूं ताकि आप लोग मेहनत करें, है ना, आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले सवाल की, तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल, कोई बात नहीं आवारा पंछी जी, एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना, यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय डायनामो, बैटरी, एटोम बम या फिर हीटर, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दें, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सीजीएल 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक भी करें, ठीक है।
ये नंबर जो है 50 से बढ़ता नहीं है, देखता हूँ, है ना, तो इसको बढ़ाना है आप लोगों को, है ना। चलिए आप लोग ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है? डायनामो। डायनामो की जब बात करते हैं तो इसकी खोज करने वाले कौन है? तो इसकी खोज करने वाले हैं दोस्तों माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इसकी खोज करी है। और डायनामो जो है दोस्तों ये क्या करता है, यह मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी की जब बात करते हैं तो दोस्तों ये केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एटम बम जो है दोस्तों यहाँ से ये किसको? न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी को ये, न्यूक्लियर एनर्जी ये क्या करता है? पैदा करता है। और जब बात करते हैं दोस्तों हीटर की, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब हीटर की बात करते हैं तो हीटर की जो कॉइल बनी होती है किससे? नाइक्रोम से बनी होती है। और नाइक्रोम किससे मिलकर बनता है दोस्तों? तो नाइक्रोम बनता है निकेल, और किससे मिलकर? निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। वही क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। इस क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। जब बात करते हैं दोस्तों एटम बम, एटम बम किस प्रिंसिपल पर काम करता है? यह अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। जबकि हम लोग बात करते हैं दोस्तों बैटरी जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल बैटरी जो होती है उसमें कौन सी एसिड का यूज होता है? H2SO4, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ ऑल एसिड, या फिर जिसे हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, इसी H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारा दोस्तों जब बात करते हैं हम लोग इसके बाद, तो हमारा आप लोगों से प्रश्न है, जो एटम बम की खोज किसने करी है? ये तो आप लोगों को, सभी बच्चों को पता है कि एटम बम की खोज करी है ऑटो हॉर्न ने। एटम बम की खोज किसने करी है दोस्तों? ऑटो हॉर्न ने, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन एटम बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किस एलिमेंट का प्रयोग एटम बम बनाने में किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। एटम की खोज 1803 में किसने करी थी? जॉन डाल्टन ने करी थी, ठीक है ना बिहार गौरव जी। 1804 नहीं बल्कि 1803 याद रखिएगा। हमारा प्रश्न है एटम बम किससे बना हुआ होता है, एटम बम को बनाने में किसका यूज करते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया एस के शहीदुद्दीन जी, यहाँ दिल्ली में तो काफ़ी गर्मी है ना, आज ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। शेयर करते रहें सभी बच्चे वीडियो को, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, है ना। और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर यूरेनियम बता रहे हैं, अच्छा यूरेनियम को क्या कहते हैं? नवीन विश्वकर्मा जी ने करेक्ट आंसर दिया है अभी तक, बहुत अच्छे नवीन विश्वकर्मा जी। राम पुकार कुमार जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। मुकेश लाओ जी उतना देखिए, सीजीएल रेलवे में वहां से नहीं पूछते हैं प्रश्न, ठीक है, बहुत बढ़िया। गीलू शर्मा जी बहुत अच्छे, चंचल देवगन जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। याद रखेंगे दोस्तों एटम बम को बनाने में किसका यूज करते हैं, एटम बम के निर्माण में यूज किया जाता है किसका? प्लूटोनियम का। किसका यूज करते हैं? प्लूटोनियम का यूज करते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर? वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो वोल्टमीटर जो एक आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? हाई होता है, लो होता है, इनफाइनाइट होता है या जीरो होता है, ठीक है ना। फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा दोस्तों। फटाफट इसका जवाब दें और सभी बच्चे शेयर भी करते रहें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करते रहें दोस्तों वीडियो को, ठीक है। ये इसका जवाब सभी बच्चों को बता है और बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। वोल्टमीटर जो होता है, और एक आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो। जबकि एक आइडियल एमीटर, जिससे हम लोग एमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, एमीटर से हम लोग मेजर करते हैं करंट, और करंट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, ये जो होता है दोस्तों इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इसका क्या होता है? यूनिट होता है। जब बात करते हैं दोस्तों एक आइडियल एमीटर की, उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज और
और भी याद रखेंगे, किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर किसमें कन्वर्ट करना हो, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो एक हाई रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ देते हैं हम लोग, सीरीज में जोड़ देते हैं। और किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग किससे किसमें कन्वर्ट करना हो, एमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो एक क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ देते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये बन गया एमीटर, और ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि काफी कम मात्रा में करंट को, यानी कि अगर माइक्रो एम्पियर वगैरह में करंट है, मिली एम्पियर में करंट है, तो उस करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। हमारा दोस्तों प्रश्न है आपसे, जो एम्पियर है, इस एम्पियर को ही और क्या लिखा जा सकता है, एम्पियर को ही और क्या लिखा जा सकता है, आप लोग ये बताएं, एम्पियर को ही और क्या लिख सकते हैं, आप लोग को ये बताना है। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे और सेशन को आप लोग शेयर करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। बिल्कुल, प्रियंका वर्मा जी, नजर अहमद जी, अर्पिता जी, रीतिका जी, अमन साहू जी, नेहा शर्मा जी, मुकेश लाल जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल। एक संट रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रश्न है एम्पियर को ही और क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, यह हमारा जवाब है। और संजय टेकाले जी ने बेहतरीन उत्तर दिया है, इसी तरह सभी बच्चे जवाब दें, शेयर भी करते रहें सेशन को, ठीक है। इसी प्रकार धीरज सारस्वत जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छे धीरज सारस्वत जी, ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे। और लास्ट में एक बेहतरीन मैं न्यूमेरिकल आज कराऊंगा आप लोगों को, क्लास के लास्ट में, बहुत ही अच्छा ALP रेलवे ALP में पूछा गया न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने भेजा था मुझे, सुधीर कुमार जी, बहुत बढ़िया, शयक पाल जी, बहुत अच्छे, ठीक है। चंचल देवगन जी, ये आप फॉर्मूला बता रहे हैं, एम्पियर को मैं पूछ रहा हूँ क्या लिख सकते हैं, I = Q/2, ये आप क्या बता रही हैं, फॉर्मूला बता रही हैं, I = क्या होता है, Q/T, और इसी Q को क्या लिखेंगे, कूलम्ब, और T को क्या लिखेंगे, सेकेंड, यानी इसी कूलम्ब सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, यानी कूलम्ब पर सेकेंड जो है, यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। सोनू निगम जी, मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूनिट एम्पियर को क्या लिखा जा सकता है ये पूछ रहा हूँ। मेघा डी जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, रॉबिन चौधरी जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छे, शिव कुमार जी, विनीता जी, सभी बच्चे बिल्कुल शानदार जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले सवाल के ऊपर। ये जो दोस्तों सवाल था CHSL 2015 में पूछा गया प्रश्न था, अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगला मुद्दा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट AC into DC, यानी कि AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए किस यंत्र का, किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, रेक्टिफायर, डायनामो, ट्रांसफॉर्मर या फिर इन्वर्टर। जल्दी से इसका आप लोग जवाब दें, ठीक है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, यह सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया सवाल है, सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया सवाल है, इसका आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। फटाफट इसका जवाब दीजिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, इसे क्या बोलते हैं, दिष्टधारी कहते हैं, इसे दिष्टधारी कहा जाता है, या रेक्टिफायर, डायनेमो का आप लोगों का अभी बताया गया था, ये जो आपका ये क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन डिवाइस है, ट्रांसफार्मर, और ये किस पर, ओनली एसी करंट पर काम करता है। और याद रखेंगे दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसकी खोज माइकल फैराडे ने करी थी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इन्वर्टर ये डीसी को किसमें, एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमारा दोस्तों आप लोगों से प्रश्न है, हमारे घरों के अंदर जो करंट आता है, एसी करंट जो हमारे घरों में आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये आप लोगों को बताना है। इस सवाल का जो सही उत्तर है दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर आप लोग सभी बच्चों को पता है, इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, रेक्टिफायर इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारे घरों के अंदर जो एसी करंट आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, जल्दी से। और शेयर करते रहिए सभी बच्चे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करते रहें।
गैल्वेनोमीटर, अरूप सामंत जी, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो माइक्रो करंट या बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जो करंट होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है उस करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और आपसे प्रश्न अगला है कि जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, सभी बच्चों को बताना है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो नॉर्मल जो एसी करंट आता है हमारे घरों में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज होती है, याद रखेंगे। इसी तरह दोस्तों शेयर करते रहें, आप लोग लाइक करते रहें, ठीक है, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो क्या करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, बहुत अच्छे नेहा शर्मा जी, बहुत बढ़िया स्वाति डांगी जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया नवीन विश्वकर्मा जी, ठीक है, घनश्याम गुप्ता जी, अखिलेश कुमार जी, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो दोस्तों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई, मतलब जो डीसी होता है, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और हमारे घरों में जो यंत्र लगे होते हैं, कोई भी जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे होते हैं, वो किस कनेक्शन में, किस कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, पैरेलल यानी कि समानांतर संयोजन में लगे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अगले सवाल की, इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर डायनामो, यहां गलती से हो गया है दोस्तों, यहां पर इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग, रेक्टिफायर, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, रेक्टिफायर है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये उत्तर इसका नहीं होगा। सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंसुलेटर, इनमें से कौन सबसे अच्छा इंसुलेटर है, क्लॉथ, पेपर, वुड या ग्लास, सबसे अच्छा इंसुलेटर इसमें कौन सा है, यह चीज आप बताएं। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ठीक है, नए छात्र जो हैं सब्सक्राइब करते रहें, और आपको इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो याद रखेंगे जीएस बाय ज्ञान प्रकाश झा टेलीग्राम चैनल है, जीएस बाय ज्ञान प्रकाश झा, वहां पर आप जाकर इसका क्या पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों, अगले सवाल की याद रखिएगा, क्लॉथ जो है दोस्तों ये इंसुलेटर तो लेकिन बहुत अच्छा इंसुलेटर नहीं है, पेपर भी जो होता है ये किससे बना होता है, तो आप लोग जानते हैं पेपर बना होता है किससे, सेलुलोज से बना होता है, ये भी अच्छा इंसुलेटर नहीं है। वुड जो होता है दोस्तों, वुड के अंदर जो ऐसे 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 रिंग्स होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स, क्या बोलते हैं इसे, एनुअल रिंग्स, और इस एनुअल रिंग्स से देख कर क्या करते हैं हम लोग, प्लांट की एज काउंट करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट की एज काउंट करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्लास है ना दोस्तों, ग्लास जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, दैट इज ऑप्शन डी, ग्लास इज द राइट आंसर। यहाँ पर ग्लास इसका सही उत्तर होगा, ना कि वुड, ना ही सेलुलोज और ना ही क्लॉथ, क्या होगा इसका सही उत्तर, दैट इज ग्लास। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है आपसे, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ जो मेजर की जाती है ये किस डिवाइस के द्वारा मेजर की जाती है, आप लोगों को ये बताना है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस, एमटीएस 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्लास इज द राइट आंसर। यहाँ पर काफी बच्चों ने गलत भी जवाब दिया है, ठीक है, और काफी बच्चों ने सही उत्तर भी दिया है। ठीक है, हमारा प्रश्न है प्लांट की ग्रोथ किससे मेजर करते हैं, वन रिंग इज इक्वल टू वन ईयर, ममता शर्मा जी 10 ईयर नहीं, 10 रिंग इज इक्वल टू 10 ईयर, जितने नंबर ऑफ रिंग्स उतना ही क्या नंबर ऑफ ईयर, ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बिल्कुल गुल्लू प्रधान जी, बिल्कुल सही उत्तर, हाइग्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, धीरज सारस्वत जी। ठीक है, हाइड्रोक्रोनोमीटर नहीं, याद रखिएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, दुर्गा शक्ति जी वो कहते हैं इसकी जो मतलब प्लांट का एज निकालने का जो तरीका होता है ना उसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फूको मिश्रा जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, टिकेंद्र साहू जी ने सही उत्तर दिया, अर्पिता सरकार जी ने, नवीन विश्वकर्मा जी ने, शिवम हापुर जी ने, बिल्कुल इन बच्चों ने सही उत्तर दिया है, याद रखिएगा उसका सही उत्तर है, रविशंकर पल जी ने, अर्पित दयाल जी ने, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे प्लांट की ग्रोथ जो मेजर की जाती है वो किसके द्वारा मेजर करते हैं, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा, और इस डिवाइस का, इस यंत्र का जो निर्माण किया था वो किसने था किया था, जेसी बोस या जगदीश चंद्र बोस ने किया था, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं इसके बाद अगले सवाल के ऊपर, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन डोमेस्टिक वायर
एल्यूमिनियम, निकल, आयरन या कॉपर। ठीक है, इसमें से किसका प्रयोग, एल्यूमिनियम, निकल, आयरन या कॉपर, किसका प्रयोग घरेलू वायर जो होता है, डोमेस्टिक वायर जो होता है उसमें किया जाता है। स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा गया सवाल है ये, स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छे विनीता जी, बहुत अच्छे सुधीर कुमार जी, बहुत बढ़िया अरूप सामंत जी, बहुत अच्छे काजू चौहान जी, एस के शहीदुद्दीन जी, बहुत बढ़िया स्वाति डांगी जी, प्रियंका जी, संजय टेकाले जी। ठीक है, इसका आप लोग जवाब दें कि किस धातु का प्रयोग घरेलू तार में किया जाता है, एल्यूमिनियम, निकेल, आयरन या कॉपर। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो घरेलू तार में जो जनरली यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों किसका, कॉपर। वही कॉपर जिसका दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना है, 29। वही कॉपर जो कि सेकंड बेस्ट कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड बेस्ट कंडक्टर है। पहला कौन सा है दोस्तों, पहला है अर्जेंटाइट या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर। वही सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 47। याद रखेंगे दोस्तों जब कॉपर के साथ क्या मिलाते हैं हम लोग, टिन मिलाते हैं तो क्या बनाता है, ब्रॉन्ज या कांसा बनाता है। कॉपर के साथ जिंक मिलाते हैं तो क्या बनाता है, ब्रास या पीतल मिला बनाता है। और कॉपर के साथ जब जिंक और निकल मिलाते हैं तो क्या बनाता है, ये बनाता है जर्मन सिल्वर, है ना, क्या बनाता है, जर्मन सिल्वर, जिसमें भैया क्या नहीं होता, जिसमें सिल्वर ही नहीं होता। ठीक है, हॉर्न सिल्वर जो होता है दोस्तों, हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं याद रखेंगे, AgCl को क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड, इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। जिसका यूज कहां पर होता है दोस्तों, जिसका यूज होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास में, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड जिसका यूज किसमें होता है, फोटोग्राफी में, एक होता है सिल्वर आयोडाइड जिसका यूज किसमें होता है, कृत्रिम वर्षा में, और एक होता है दोस्तों AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जिसका यूज कहां पर होता है, वोट की इंक में। ये जो सिल्वर आयोडाइड है दोस्तों इसका यूज कहां पर, क्लाउड सीडिंग या कहते हैं कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, उसमें किसका, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके बाद चलेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फ्यूज वायर ऑफ ए सर्किट इज मेड अप ऑफ ए मेटल विच, एक सर्किट के फ्यूज तार एक धातु से बने होते हैं जिसका लो रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो कंडक्टिविटी होता है या फिर लो स्पेसिफिक डेंसिटी होता है। स्टेनोग्राफी 2011 में पूछा गया सवाल है। शेयर और लाइक सभी बच्चे करते रहें, सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो नए बच्चे देख रहे हैं चैनल को वो प्लीज़ चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों फ्यूज़ वायर की जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूज़ वायर, ये किसका बना होता है, पीवी और किससे, एसएन से मिलकर बना होता है। ठीक है, फ्यूज़ वायर जो होता है दोस्तों ये क्या करता है, जैसे ही हाई ज़्यादा करंट होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और हमारे घरों के अंदर लगे हुए यंत्रों को जलने से क्या करता है, बचाता है। जब हम बात करते हैं दोस्तों फ्यूज़ वायर की, जो फ्यूज़ वायर होता है वो ऐसे धातु से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इसका क्या होता है, काफी लो होता है। इस चीज को याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा आपसे प्रश्न है पीबी का तो अयस्क क्या है दोस्तों, पीबी का जो ओर है इसके ओर का नाम है गैलेना। हमारा प्रश्न है आपसे एसएन यानी टिन, टिन के ओर का क्या नाम है, टिन का एसएन से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 50 है लेकिन इसके ओर का क्या नाम है आप लोगों को यह बताना है, व्हाट इज ओर ऑफ टिन। ठीक है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई समझ में, कोई मतलब समस्या तो नहीं है। ठीक, बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल गुल्लू प्रधान जी, रोशन कुमार जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार आप लोग सेशन को शेयर करें, लाइक करें। स्टेनोग्राफी 2011 में पूछा गया ये सवाल है फ्यूज वायर का। ठीक, और ये किस पर, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, याद रखेंगे दोस्तों ये करता है किस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस सिद्धांत पर काम करता है फ्यूज वायर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाला यंत्र है कौन सा, हमारा फ्यूज वायर।
ठीक है, जब बात करते हैं दोस्तों, इजी बीआर का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है रेशम मुखर्जी जी, ठीक है। गुलू प्रधान जी बहुत बढ़िया, शिवम हापुर जी, रविशंकर जी, आवारा पंची जी, बिल्कुल काजू चौहान जी, सही उत्तर है सभी बच्चों का, अर्विता सरकार जी, अर्पित दयाल जी, बिल्कुल टिन का जो अयस्क है उसका नाम है कैसेटे राइट, क्या नाम है इसका, कैसेटे राइट इज द राइट आंसर। अगले मुद्दे पर चलते हैं, अगला मुद्दा, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, पीवीसी इज अ पॉलीमर ऑफ, बहुत ही आसान सा प्रश्न मैंने दिया है ये, ठीक है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न दिया है। इस सवाल में एक भी बच्चे का गलत जवाब नहीं आना चाहिए, एक भी बच्चा यहाँ पर गलत जवाब नहीं देगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका आप लोगों को जवाब देना है, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दें, ठीक है, और सभी बच्चे सेशन को शेयर करें, लाइक करें, है ना, फटाफट। ठीक है, पीवीसी किसका पॉलीमर है, हा ना, बिल्कुल अर्पिता सरकार जी, लेड का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 18। शेयर करते रहिए सभी बच्चे सेशन को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है, दैट इज याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या है, विनाइल क्लोराइड, सही उत्तर क्या है इसका, इट्स करेक्ट आंसर इज विनाइल क्लोराइड, क्योंकि पीवीसी का ही पूरा मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एसिटिलीन, एसिटिलीन का मतलब आपको पता है दोस्तों, एसिटिलीन जो है इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज होता है फलों को पकाने में कृत्रिम रूप से, और फलों को नेचुरल रूप से पकाने में किसका यूज होता है, एथिलीन का यूज होता है। स्टेरिन, स्टेरिन की बात करते हैं दोस्तों, अभी जो विशाखापत्तनम में जो एलजी पॉलीमर था, एलजी पॉलीमर में जो क्या हुआ था, एलजी पॉलीमर के अंदर जो गैस लीकेज हुआ था, इस गैस लीकेज की अगर बात करें तो वहां पर किस गैस का लीकेज हुआ था, स्टेरिन का लीकेज हुआ था, जबकि 2 से 3 दिसंबर की रात को कब, 1984 में भोपाल में जो गैस लीकेज हुआ था वहां पर किस गैस का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का, और उसका नाम था कंपनी का क्या, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड नाम था, इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा प्रश्न है आपसे स्टायरीन, स्टायरीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को यह बताना है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्टायरीन, स्टायरीन का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों को यह बताना है, ठीक है। एसिटिलीन का फॉर्मूला बिल्कुल C2H2 होता है, बट स्टायरीन का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों को यह बताना है, ठीक। ऋषभ मुखर्जी जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया ऋषभ मुखर्जी जी। देखिए अभी स्टायरीन क्या है, न्यूज में है, तो इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इसकी कंपनी का नाम पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहां पर, जब स्टायरीन की, स्टायरीन का सूत्र क्या है, आप लोगों को यह बताना है, बिल्कुल आवारा पंछी जी, बहुत शानदार, शेयर करते रहें, नए बच्चे सब्सक्राइब करते रहें सेशन को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, समीर एरोंस जी बहुत बढ़िया, नेहा शर्मा जी, कुसुम सिंह जी, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, जो स्टायरीन है इसका सूत्र है C8H8, C8H8 जो ये इसका फॉर्मूला है। अगले मुद्दे पर चलेंगे, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, हु इज इन्वेंटर ऑफ नाइलॉन, नाइलॉन का आविष्कारक कौन है, लुई पास्टर, अलेक्जेंडर पार्क्स, WH कैराथर्स या जॉन कॉर्बुट। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बिल्कुल सज्जन कुमार ठाकुर जी, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, बेहद शानदार उत्तर दे रहे हैं आप लोग। नायलॉन, नायलॉन का आविष्कारक कौन है, बहुत अच्छे ऋषभ जी। हाँ बिल्कुल अमन साहू जी, ठीक है। चलिए तो इसका आप लोग जवाब दें, नायलॉन का आविष्कारक कौन है, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर पार्क्स, WH कैराथर्स या जॉन कॉर्बुट। जब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की, तो लुई पाश्चर ने किसकी खोज की है, फर्मेंटेशन की खोज करी है इन्होंने ही दोस्तों, किसकी, रैबीज का टीका, एंटी रैबीज यानी रैबीज का टीका भी इन्होंने ही खोजा, इन्होंने ही दोस्तों किसकी खोज करी थी, पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण की खोज करी थी। अलेक्जेंडर पार्क्स ने प्लास्टिक की खोज करी थी, याद रखेंगे, और WH कैराथर्स जो हैं इन्होंने ही दोस्तों किसकी खोज करी थी, याद रखेंगे, इस WH कैराथर्स साहब ने किसकी खोज करी थी, नायलॉन की खोज करी थी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी,
इज द राइट आंसर. ठीक है, बिल्कुल काजू चौहान जी, बिल्कुल आपका सही उत्तर है. यह एमटीएस 2008 में पूछा गया सवाल था. अगले सवाल पर चलते हैं. अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एनेस्थेसिया. इसमें से किसका प्रयोग एनेस्थेसिया में किया जाता है, यानी संज्ञाहरण में किया जाता है, यानी कि किसी को भी क्या करने के लिए, सेंसलेस करने के लिए किसका यूज करते हैं. एफसीआई 2012 में पूछा गया प्रश्न है. मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या नाइट्रस ऑक्साइड का. ठीक है, इसका आप लोग जवाब दें. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. घनश्याम गुप्ता जी, समीर एरोंस जी, स्वर्णराज जी, विनीता जी, गीलू जी, ऋषभ जी, शिव कुमार जी 131 का जवाब दे रहे हैं. बहुत अच्छे. जब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की, तो आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा कि इसका जो सही उत्तर है, इसमें से एनेस्थेसिया के रूप में जिसका यूज किया जाता है उसका नाम क्या है. उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, N2O. और इसी N2O को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसे, लाफिंग गैस भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर मीथेन को दोस्तों नेचुरल गैस कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं मीथेन को, नेचुरल गैस, इसे ही गोबर गैस कहा जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है. नाइट्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा यही नाइट्रोजन होता है. हमारा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे आँख के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, है ना. ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है, यहाँ से क्या निकलता है, इस लैक्रिमल ग्लैंड से क्या निकलता है, टीयर. टीयर या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंसू, है ना. क्या बोलते हैं, टीयर, या इसे क्या बोलते हैं, आंसू. तो हमारा प्रश्न है टीयर गैस किसे कहा जाता है, टीयर गैस का क्या नाम है दूसरा, यह आप लोगों को बताना है. व्हाट इज टीयर गैस. ठीक है, बिल्कुल मार्स गैस भी कहा जाता है. ठीक है ना, इसी सीएनजी जो हमारा मीथेन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं. टीयर गैस किसे कहा जाता है, आप लोगों को यह बताना है. फटाफट जवाब दीजिएगा, टीयर गैस किसे कहते हैं. ठीक, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा. अच्छा, क्लोरोफिलोक्विनोन. अच्छा, क्लोरोफिलोक्विनोन. ओके, नहीं. ठीक है, ऐसा कोई गैस नहीं होता पार्टिकुलर, अमन साहू जी, है ना. बिल्कुल नितांत कात्यान जी, है ना. साइनोकार्बन भी नहीं होता है. क्लोरोपिक्रीन, बिल्कुल राम पुकार कुमार जी ने सही उत्तर दिया है. याद रखिएगा, जो क्लोरोपिक्रीन होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, टीयर गैस भी कहते हैं. और कभी कभी याद रखेंगे अमोनिया को भी क्या कहा जाता है, टीयर गैस कहा जाता है. ठीक है, तो क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है इसे भी, और किसे कहते हैं, अमोनिया को भी कभी कभी टीयर गैस कहते हैं. ठीक है, बहुत अच्छे. अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर. अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आप लोग जवाब दीजिए. ठीक है, और शेयर भी करते रहें सभी बच्चे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें. यहाँ पर आपका अगला सवाल आ चुका है, चॉकलेट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ बिकॉज इट कंटेंस, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है क्योंकि इसमें शामिल है जिंक, निकल, लेड या कोबाल्ट. शेयर करते रहिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को, है ना, और सब्सक्राइब भी करते रहना है बच्चे. ठीक है, वेरी गुड गीलू शर्मा जी, बिल्कुल विनीता जी, आपने भी सही दिया है, है ना. चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे शिव कुमार जी. ठीक है ना, बहुत अच्छे धीरज सारस्वत जी, निकल नहीं, है ना. यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जिंक, जिंक का अयस्क क्या है, जिंक का अयस्क है कैलामिन. जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है, जिंक का कैलामिन और जिंक ब्लेंड दोनों ही होता है इसका अयस्क, जिंक का. ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना आता था, आप लोग जानते हैं 30 होता है. जिंक क्लोराइड का यूज किसमें, आयरन के गैल्वनाइजेशन में. जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वुल कहते हैं. जिंक फॉस्फाइड का यूज कहाँ पर, चूहे मारने की दवाई में किया जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं.
ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो निकल होता है ZnSO4 को क्या कहते हैं, व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। निकल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो निकल का क्या होता है, इसका जो अयस्क होता है उसका नाम है निकल ग्लैंस। निकल ग्लैंस इसका होता है, लेड का आप लोग जानते हैं गैलेना होता है ना। जब बात करते हैं दोस्तों ये जो कोबाल्ट है, हमारा प्रश्न ये है, ये जो कोबाल्ट से एक चीज़ तो याद रखेंगे, कोबाल्ट 60 जो इसका एक आइसोटोप है जिसका यूज हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं, इसका एक समस्थानिक है। हमारा प्रश्न है आपसे, जिस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है उसका केमिकल नेम क्या है, जिस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है उसका केमिकल नेम क्या है, आप लोगों को ये बताना है। और ये दोस्तों सवाल किस में पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था CPO 2010 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार सभी बच्चे वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, नए बच्चे सब्सक्राइब भी करते रहेंगे सेशन को, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताएंगे। हमारा प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका केमिकल नेम क्या है, यह आपको बताना है। अयस्क का मतलब होता है ओर, ऋषभ मुखर्जी जी, ओर का मतलब होता है अयस्क, ठीक है। मैंने विटामिन का नाम नहीं पूछा है, विटामिन का नाम तो हर एक बच्चा दे देगा, विटामिन B12 है ना, लेकिन मैंने पूछा है उसका केमिकल नेम क्या होता है इस विटामिन का। अर्पित दयाल जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सज्जन कुमार ठाकुर जी बहुत अच्छे, टेक्निकल कुमार जी, फुकू मिश्रा जी बहुत अच्छे, शिव कुमार जी बहुत अच्छे, टिकेंद्र साहू जी, नवीन विश्वकर्मा जी, राम पुकार जी बहुत अच्छे, सयक पाल जी बहुत बढ़िया, शिवम हापुर जी बहुत अच्छे, ठीक है। याद रखिएगा बिहार गौरव जी, कैल्सीफेरॉल नहीं, कैल्सीफेरॉल विटामिन किसका होता है, डी का होता है। विटामिन B2 का क्या होता है, साइनोकोबैलम। विटामिन B12 का क्या होता है, साइनोकोबैलमिन। साथ ही हमारा एक प्रश्न आ गया, किस विटामिन की कमी से भाई साहब बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। बाल झड़ने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, ये तो विटामिन B12 था, हमारा प्रश्न है कौन सा विटामिन बाल झड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग जवाब दें, ठीक है। CPO 2010 में पूछा गया प्रश्न है, सभी को समझ में आ रहा है ना। राइबोफ्लेविन तो विटामिन जी को कहते हैं, रविशंकर पाल जी, ये जो राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 या विटामिन जी को कहते हैं, जिसका दोस्तों क्या है, जिसका कमी से किलोसिस या फिर कौन सी बीमारी होती है, जिसकी कमी से किलोसिस या फोटोफोबिया नामक डिजीज होती है, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे दोस्तों, जिस विटामिन की कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, अभी तक हमारे पास जवाब एक भी नहीं आया है। एक जवाब दिया है चंचल देवगन जी ने, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। राम पुकार कुमार जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। नेहा शर्मा जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, शिवम हापुड़ जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, GPR जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। रविशंकर पाल जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। इसका सही उत्तर है, कुसुम जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, याद रखिएगा उसका नाम है बायोटिन, या फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन H, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन B7 भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गन पाउडर इज इन्वेंटेड बाय, गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था, रॉजर बैकन ने, गोल्ट ने, सीवी रमन ने, या फिर अल्फ्रेड नोबेल ने, इसका आप लोगों को जवाब देना है। बिल्कुल सज्जन कुमार ठाकुर जी, विटामिन B7 जो होता है ड्रीम्स को याद रखने में मदद करता है, और इसी विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन, और ड्रीम्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ओरेनोलॉजी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे गन से याद रखिएगा दोस्तों, जो गन होता है ना, इस गन से आपको याद रखना है रिकॉइल ऑफ गन, ये किसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर जब बात करता है दोस्तों सीवी रमन, इन्होंने किसकी खोज करी, रमन इफेक्ट की खोज करी थी, किसकी खोज करी थी, रमन इफेक्ट की। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों किसकी खोज करी थी, डायनामाइट, है ना। डायनामाइट जो बना होता है ये किससे बना होता है दोस्तों, टीएनजी से बना होता है, टीएनजी, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, और इस ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को ही क्या कहा जाता है, नोबल्स ऑयल, क्या कहते हैं इसे, नोबल्स ऑयल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जब दोस्तों बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी किस खोज करी थी, डायनामाइट की, इस सवाल का जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है, दैट इज
आपका है रॉजर बैकन। क्या है इसका सही उत्तर? रॉजर बैकन जो है ये इसका सही उत्तर होगा, इस चीज को याद रखें। इतने बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक वहीं का वहीं रुका हुआ है, तो भाई साहब लाइक भी आप लोग करते रहे। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है आपसे कि पिकरिक एसिड किसे कहा जाता है, पिकरिक एसिड किसे कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। पिकरिक एसिड किसे कहा जाता है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। B7 देखिए, जितने स्प्राउट्स हैं, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, अनाज है, इन सभी में क्या होता है, विटामिन बी होता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, CPO 2007 का ये सवाल है, हमारा प्रश्न है पिकरिक एसिड किसे कहा जाता है। TNG का पूरा मतलब है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखिएगा, ठीक है। टेक्निकल कुमार जी मैंने बता दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे। शिव कुमार जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है दोस्तों, बहुत अच्छे शिव कुमार जी, बहुत अच्छे। टिकेंद्र साहू जी, सलोनी कुमारी जी, आज बहुत नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों, ये TNP जो पिकरिक एसिड होता है किसे कहा जाता है, TNP को, TNP जो होता है दोस्तों ट्राई नाइट्रोफेनॉल, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्राई नाइट्रोफेनॉल कहते हैं। अब इससे हमारे दिमाग में आ गया क्या, इसके हमारे दिमाग में आ गया बेंजीन, है ना। आपको ये बताना है बेंजीन जो कि एक क्या है दोस्तों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये बेंजीन, इस बेंजीन का क्या सूत्र होता है आप लोगों को ये बताना है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का क्या सूत्र होता है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों को ये बताना है। टीएनपी जो होता है नितांत कात्यायन जी, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ये एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है, एक प्रकार का विस्फोटक है। आप जाकर एक्सप्लोजिव्स वाला लेक्चर देख लेंगे, एक्सप्लोजिव्स डालेंगे और एक्सप्लोजिव्स फॉर SSC डालिएगा तो मेरा लेक्चर आपको ऊपर ही दिखेगा, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव्स वाला लेक्चर जाकर देख लेंगे, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में इन चीजों को बताया है नितांत कात्यायन जी, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा प्रश्न था आपसे कि बेंजीन का क्या सूत्र होता है, और हमारे पास जवाब भी आना शुरू हो चुका है। कितने शानदार सब छात्र हैं, इतने ऐसे छात्र हैं, यहाँ से मुझे लगता है जितने भी छात्र हैं सभी स्टूडेंट सिलेक्शन देने वाले स्टूडेंट हैं, सभी बच्चों से हमें मिठाई खाने का मौका मिलेगा ऐसा हमें लग रहा है ना। चलिए, तो बिल्कुल बेंजीन का जो फॉर्मूला है याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला है इसका, C6H6 जो है इसका सूत्र है। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, ये CGL 2008 में पूछा गया प्रश्न है, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो टेक्निकल कुमार जी, और भी कई कारण होते हैं उसके, डेंड्रप उसका कारण होता है ना, उसका कारण कुछ जेनेटिक कारण भी होता है, ठीक है। अच्छा, एवरग्रीन हिट मिक्सर जी, क्या बताया था उन्होंने, हाँ जी, एवरग्रीन हिट मिक्सर जी, बहुत अच्छे। चलिए, शेयर कर देंगे सभी बच्चे सेशन को। यहां पर जब बात करते हैं गन पाउडर, ये किसका किसका बना होता है, सैंड एंड TNT, TNT एंड चारकोल, नाइटर सल्फर एंड चारकोल, या फिर सल्फर सैंड एंड चारकोल, ठीक है, इसका आप जवाब दें। और सभी बच्चों का यहाँ पर जवाब सही आ रहा है, मेघा डे जी, ऋषभ जी, प्रियंका जी, अर्पिता जी, नज़र अहमद जी, रोशन कुमार जी, रेशमा शेख जी, मुकुल सरकार जी, बहुत अच्छे, रोशन कुमार जी, SK सहीदुद्दीन जी, सज्जन कुमार ठाकुर जी, सुधीर कुमार जी, सलोनी जी, देवनीश वर्मा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा कुसुम जी, बिल्कुल मैं पार्टी मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। चलिए, अच्छा आप रसगुल्ला देंगे हमको, ओके। चलिए, यहाँ पर जब बात करते हैं इसका सही उत्तर दोस्तों, क्या इसका सही उत्तर है, नाइटर सल्फर और क्या चारकोल। हमारा प्रश्न आपसे, नाइटर किसे कहा जाता है, नाइटर किसका दूसरा नाम है आपको ये बताना है, नाइटर किसको कहा जाता है, नाइटर ये आपको बताना है। सैंड से आपको याद रखना है दोस्तों, केरल में एक सैंड होता है मोनाजाइट, केरल के अंदर एक मोनाजाइट सैंड होता है, और ये मोनाजाइट है दोस्तों किसका अयस्क, तो याद रखेंगे ये थोरियम का अयस्क है, वही थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर है दोस्तों 90। इसी सैंड से याद रखेंगे दोस्तों आप क्या, सैंड फ्लाई जो होता है दोस्तों, ये कैरियर होता है एक बीमारी का, जिसका नाम क्या है दोस्तों, कालाजार, जिसमें हाई फीवर होता है, और इस कालाजार में दोस्तों ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, लीशमानिया,
लीसमानिया डोडावरी, ये इस किसके प्रोटोजोआ का क्या है नाम है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये कालाजार नामक बीमारी होती है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, एवरग्रीन हिट मिक्सर जी। चलिए ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर आप ये बताएं नाइटर किसे कहा जाता है, बिल्कुल मोनाजाइट इज ए ओर ऑफ थोरियम। ठीक है, बहुत बढ़िया, टेक्निकल कुमार जी ने अभी तक सही उत्तर दिया है, वेरी गुड टेक्निकल कुमार जी, बहुत बढ़िया। इसी तरह सभी बच्चे जवाब दीजिए, ठीक है कुसुम जी, आपको भी रसगुल्ला खिला देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जवाब दीजिएगा पहले, नाइटर किसे कहा जाता है। रोशन कुमार जी बिल्कुल प्रयास करेंगे इसके लिए भी। बिल्कुल, स्लीपिंग सिकनेस का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है, सज्जन कुमार ठाकुर जी, स्लीपिंग सिकनेस के प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइपोनसोमा, और वो सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी के कारण होता है। फ्लाई का जो दोस्तों के रासायनिक साइंटिफिक नाम होता है उसका होता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका ये फ्लाई का क्या होता है साइंटिफिक नाम होता है। नाइटर दोस्तों किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे क्यानोथ्री पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को ही क्या कहा जाता है, नाइटर कहा जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग इज रिटन इन विच लैंग्वेज, जीवन जीवों का, यहां पर जीवन नहीं, जीवों का जो वैज्ञानिक नाम होता है, जीवों का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच में, लैटिन में, जर्मन में या डच में। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, नाइटर जो कहा जाता है वो किसे, नाइट्रिक एसिड, या जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पोटेशियम नाइट्रेट, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केनोथ्री, पोटेशियम नाइट्रेट को ही क्या कहा जाता है, नाइटर भी कहा जाता है। ठीक है ठीक है, टेक्निकल कुमार जी, जिसको जो पसंद है वही खिलाया जाएगा, बट उसके लिए शर्त यह है कि आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो यहां पर याद रखेंगे जीवों का जो वैज्ञानिक नाम है ये किसने दिया है दोस्तों, ये दिया है कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस ने ही किताब लिखी है, कौन सी, याद रखेंगे कार्ल लिनियस ने ही किताब लिखी है, कौन सी, तो याद रखना है उसका नाम है सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, सिस्टमा नेचुरी, और याद रखेंगे दोस्तों ये किस भाषा में लिखा जाता है, लैटिन, यानी कि लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, क्या नाम है आपका, आपका तो नाम आपने क्या रखा हुआ है, एवरग्रीन हिट मिक्सर, है ना। चलिए, ये सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया सवाल था, याद रखिएगा इस चीज को। हमारा प्रश्न है दोस्तों कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किताब किसने लिखी है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किताब किसने लिखी है, ये भी गड़बड़ है, यहाँ पर डच नहीं, यहाँ पर डच नहीं होगा, ये लैटिन होगा, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे इसे, डच नहीं लैटिन होगा ये, ठीक है, टाइपिस्ट ने आज कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी कर दी है, है ना। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया नितांत जी, बहुत अच्छे, ठीक है सज्जन कुमार ठाकुर जी, अवश्य आएंगे। अच्छा, क्या अगर पहले आ गए तो क्या नहीं खिलाएंगे क्या, सिलेक्शन के पहले आ गए तो। चलिए, हाँ बिल्कुल, जान लगा दो या जाने दो, याद रखिएगा उसको किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने, किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है, द मैटरनिटी पीरियड ऑफ एनिमल्स इन विंटर सीजन। देखते हैं ज्यादातर जो एनिमल होते हैं वो उनके अंदर जो मतलब वो बच्चे को जो जन्म देते हैं वो कब देते हैं, विंटर में देते हैं, ज्यादातर देखा जाता है ऐसा। तो इनका जो प्रसूति काल होता है, यार एनिमल का जो मैटरनिटी पीरियड होता है किस में, विंटर सीजन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिवेशन, रीजेनरेशन, हाइबरेशन, हाइबरनेशन या म्यूटेशन, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अच्छा, अश्विनी कुमार जी, बहुत बढ़िया, अभी आ गया नाम, याद आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गोलू प्रधान जी। चलिए, इसका आप लोग जवाब दें, पशुओं का जो प्रसूति काल होता है विंटर सीजन में उसे क्या कहते हैं,
तो यहां पर याद रखेंगे दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहते हैं उसे। इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रीजेनरेशन की बात करें दोस्तों, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो रीजेनरेशन पावर होता है वो किसका होता है? नर्व सेल का या नर्व टिश्यू का। और सबसे सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? नर्व का यानी तंत्रिका कोशिका का सबसे कम होता है। याद रखिएगा, न्यूरॉन्स का या नर्व सेल का सबसे कम रीजेनरेशन पावर होता है, और सबसे ज्यादा रीजेनरेशन पावर किसका होता है? याद रखिएगा, वो होता है किसका दोस्तों? लीवर। लीवर का जो रीजनरेशन पावर होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है वही लीवर, जिसके स्टडी को हेपेटोलॉजी, जिसे केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। एमटीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा प्रश्न है आपसे दोस्तों, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, यह आप लोगों को बताना है। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया है आप लोगों को, यह बताना है। ठीक है, ठीक है नितांत कात्यान जी, चलिए बहुत शानदार। ऋषभ मुखर्जी जी, बंगाली फूड दाल पोस्तो सुक्तु, ये क्या होता है? दाल पोस्तो सुक्तु। ओके, ठीक है सज्जन कुमार ठाकुर जी, चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? हु गिव्स म्यूटेशन थ्योरी? विनीता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। रामपुकार कुमार जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नवीन विश्वकर्मा जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुत अच्छे, शेयर भी करते रहिए सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों को इसका जो आपका पीडीएफ मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? जीएस बाय ज्ञान प्रकाश झा टेलीग्राम चैनल है, जीएस बाय ज्ञान प्रकाश झा इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगा? इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया है? ह्यूगो डिब्रीज। किसने दिया है? ह्यूगो डिब्रीज ने दिया है। याद रखिएगा कि ह्यूगो डिब्रीज ने इसका म्यूटेशन थ्योरी दिया है। ह्यूगो डिब्रीज ने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश? इसमें से कौन सी एक फिश है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, कैटल फिश। इसमें से कौन सी एक मछली है, यह आप लोगों को बताना है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कुसुम जी, जब भी खाना होगा आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सूख तो मतलब वेजिटेबल, गुड। तो चलिए, वेजिटेबल का क्या होता है उत्पादन, ये बताएं। ठीक है, वेजिटेबल के उत्पादन को क्या कहते हैं, ये बताएं आप लोग जल्दी से, फटाफट बताइए। वेजिटेबल का उत्पादन क्या कहा जाता है? वेजिटेबल के उत्पादन को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड व्हाट? हमारा प्रश्न है आप लोगों से। यहां पर जब बात करते हैं मछली की, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से कौन एक मछली है? तो याद रखिएगा, इसमें से जो डॉग फिश है, डॉग फिश क्या है? ये एक मछली है। बाकी सारी जो हैं ये सभी फॉल्स फिट है, ये सभी मछली नहीं है। ठीक है, ना तो स्टार फिश मछली है, ना ही ये सिल्वर फिश मछली है, ना ही ये कैटल फिश मछली है। यहाँ पर सिर्फ डॉग फिश जो है, ये क्या है? डॉग फिश एक क्या है? सिर्फ मात्र मछली है। ठीक है, अर्पिता सरकार जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौशल किशोर जी ने बिल्कुल, कौशल किशोर जी, विटीकल्चर जो होता है अंगूर का, ग्रेप्स का उत्पादन होता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो राम पुकार कुमार जी, सब्जी और फलों का उत्पादन दोनों होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अर्पिता सरकार जी ने अभी तक एक सही उत्तर दिया है। शिव कुमार जी ने सही उत्तर दिया है। विनीता जी ने सही उत्तर दिया है। ठिकेंद्र साहू जी ने सही उत्तर दिया है। याद रखेंगे, सब्जियों का जो उत्पादन होता है ना दोस्तों, ऑलरी कल्चर कहलाता है। हमारा प्रश्न है आपसे, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, बताएं आप लोग। विच विटामिन, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है सब्जियों को धोने से? जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर क्या है? इस सवाल का ऑप्शन है सी। फिश के बारे में बोलूँ तो फिश की स्टडी इक्थायोलॉजी, फिश के पालन को पीसी कल्चर, फिश के उत्पादन को पीसी कल्चर कहा जाता है। फिश के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हैदराबाद में। जबकि सेंट्रल मैरिन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI, सेंट्रल मैरिन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है, आप लोग जानते हैं, आज सुबह वाले क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहाँ पर है ये? कोची केरला में है। ठीक है, और फिश के जो ब्लू रिवॉल्यूशन आया था उसके फादर कौन है? हीरा लाल चौधरी, ये इसके फादर हैं। याद रखिएगा दोस्तों, किस विटामिन सी नष्ट होता है किसको धोने से? सब्जियों को धोने से। और इस विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये किस में पाया जाता है? आंवले में। और दोस्तों याद रखेंगे,
ये जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी भी होती है। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, हु हैज गिवन द वर्ड जीन, जीन शब्द किसने दिया, टी एच मॉर्गन, जोहानसन, मेंडल या डिब्रीज। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप लोगों को इसका जवाब देना है। ठीक, बहुत अच्छे, नेहा जी, राकेश चौहान जी, अर्पित दयाल जी, रेशमा शेख जी, विनीता जी, सलोनी जी, काजू जी, दीनानाथ कुमार जी, प्रियंका वर्मा जी, बहुत अच्छे, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो मेंडल है, इस भाई साहब ने जीन की खोज करी थी किसमें, तो इन्होंने करी थी पी, यानी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायसम सटाइवम, यानी मटर, मटर में खोजा था, है ना, याद रखेंगे। जबकि नाम किसने दिया था, नाम किसने दिया था, जोहानसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहेंगे, मेंडल को कहते हैं, जेनेटिक्स का पिता, क्या कहते हैं, जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है किसे, मेंडल को। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ह्यूगो डिब्रीज ने क्या दिया था, म्यूटेशन थ्योरी दिया था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो बता सकते हैं फटाफट, यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप लोग बताइए। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, डैश में निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब में, यूटेरस में, ओवरी में या प्लेसेंटा में, निम्नलिखित में से किन में निषेचन होता है, यह आपको बताना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बिल्कुल धान का ओरिजा सटाइवा होता है। ठीक है, सज्जन कुमार ठाकुर जी, और वीट का ट्रीटिकम ऑटिवियम होता है। ठीक है, वीट का क्या होता है, ट्रीटिकम ऑटिवियम। ठीक, जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब दोस्तों हमारे कहां पर, शरीर के अंदर होता है, कहां पर, शरीर के अंदर कहां पर होता है, तो आप लोग जानते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, स्पर्म और किसका मिलना, ओवम का मिलना, इन दोनों का मिलना क्या कहलाता है, ये दोनों मिलते हैं दोस्तों क्या कहलाता है, उसे कहते हैं फैलोपियन, उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। जब हमारे फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, अंतः निषेचन। फर्टिलाइजेशन जब बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यूटेरस में दोस्तों बेबी का विकास होता है, बच्चे का डेवलपमेंट कहां पर, यूटेरस में होता है। और ओवरी में दोस्तों क्या होता है, यहां पर दोस्तों ओवम, ओवम यानी अंडाणुओं का निर्माण होता है, यही से एस्ट्रोजन और कौन सा, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन सिक्रेट होते हैं। प्लेसेंटा दोस्तों बेबी को क्या करता है, फूड एंड न्यूट्रिशन अवेलेबल कराता है। और इस प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कब होता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कब होता है, चौथे महीने के दौरान होता है, फोर्थ मंथ में होता है। जनरली जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है दोस्तों 280 डेज होता है, जबकि मिनिमम कितना हो सकता है, 180 डेज, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 330 डेज हो सकता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न है दोस्तों, जब हमारे फैलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म और ये ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु ये मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आप लोगों को ये बताना है कि, यानी जो 0 से 14 दिनों तक रहते हैं, फिर 14 डेज से लेकर 3 मंथ तक वो किस फॉर्म में रहते हैं, इन फॉर्म ऑफ एम्ब्रायो, है ना, और इसके बाद चौथे महीने में वो क्या बन जाते हैं, चौथे महीने से 9 मंथ तक वो किस फॉर्म में रहते हैं, इन फॉर्म ऑफ फीटस, ये भी आप लोग जानते हैं। हमारा प्रश्न है, जब स्पर्म और ओवम ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आप लोगों को ये बताना है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है दोस्तों एलिफेंट का कितना, 624 डेज, ये भी आपको याद रखना है। शिव कुमार जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल स्पर्म और ओवम ये दोनों जब मिलते हैं दोस्तों तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जायगोट, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज। जब मेल स्पर्म की बात करते हैं तो ये फैलोपियन ट्यूब में 72 आवर तक एक्टिव रहता है, जबकि फीमेल ओवम जो होता है वो 24 आवर तक एक्टिव होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो बात करेंगे अब हम लोग इसके बाद अगले सवाल की। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये सीजीएल 2012 में पूछा गया प्रश्न था, लास्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, एलोसोम क्या होता है, ये स्टेनोग्राफी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, और सभी बच्चे सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को क्या करें, लाइक करें। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपके लिए इसी प्रकार वीडियोस आते रहेंगे। सुबह आपकी 8 बजे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास होती है, आपकी 11 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है, और इसके बाद आपकी रात में 9 बजे किसकी क्लास होती है, साइंस के 3000 क्वेश्चन की क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। ठीक है, सुरोजीत एम जी 60 जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
जब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक होता है क्या, जीन। जीन का नाम आप लोगों ने सुना है। जीन जब मिलते हैं दोस्तों तो क्या बनाता है, ये डीएनए। यही डीएनए जिसकी दोस्तों खोज किसने करी है, एम फ्रेडरिक ने। लेकिन जिसके डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने करी, याद रखेंगे इसके डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने करी थी, वो करी थी वॉटसन एंड क्रीक ने। जंपिंग जिन की खोज किसने करी है, याद रखेंगे मैक क्लिंटॉक, बारबारा मैक क्लिंटॉक ने किसमें करी थी, कॉर्न में की थी, मक्के में करी थी, याद रखेंगे। जब दोस्तों डीएनए मिलता है तो क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और जब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र की, गुणसूत्र की खोज किसने करी है, स्ट्रासबर्ग ने। जबकि इसे नाम किसने दिया, नाम दिया वेल्डेयर ने। गुणसूत्र की बात करते हैं, हमारे शरीर में कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, या फिर जिस कितने नंबर में, 26 होते हैं। जो 22 पेयर होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, इन 22 पेयर को क्या कहते हैं, इन 22 पेयर मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, एक्सएक्स होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर होता है ना, 23rd पेयर या जिसे 23वां जोड़ा कहते हैं, इसे कहा जाता है दोस्तों क्या, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ये मेल में कैसा होता है भाई साहब, XY, और फीमेल में कैसा होता है, XX होता है, ठीक है ना। इसी से हमें क्या पता चलता है, कोई भी मेल है या कोई भी फीमेल है। और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब दोस्तों क्या हो, याद रखिएगा, जब ये XY और इस XX से ये जब X और X मिल जाता है तो क्या बनाता है, बेबी गर्ल, है ना, ये क्या, बेबी गर्ल। और जब ये Y और X मिलता है तो क्या बनाता है, बेबी बॉय बनाता है। यानी कि कोई भी बच्चा क्या हो रहा है, बॉय हो रहा है या गर्ल हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पिता, है ना। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो 23rd पेयर जो क्रोमोसोम होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एलोसोम कहते हैं। यानी कि जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब बात करते हैं दोस्तों प्लांट हार्मोन की, टोटल प्लांट हार्मोन कितने होते हैं, 7। सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा जो सेल ऑर्गेनेल सबसे बड़ा होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज करने वाले जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। और इस न्यूक्लियस की खोज किसने करी है दोस्तों, न्यूक्लियस की खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी है। कब करी है, 1831, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि सेल थ्योरी किसने, स्लाइडन और स्वान ने दिया था, कब, 1839 में दिया था, याद रखेंगे। सेल वॉल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो सेल वॉल जो बना होता है ये किस में होता है, सेल वॉल सबसे पहले तो याद रखेंगे पादप कोशिका में होता है। और इसी सेल वॉल से क्या बनता है, सेल वॉल किससे बना होता है दोस्तों, सेल्यूलोज से बना होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। हमारा प्रश्न है आपसे, डीएनए में जो दोस्तों शुगर होता है, डीऑक्सीराइबो, डीएनए के अंदर जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है वो किस प्रकार का शुगर होता है, आपको ये बताना है। डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोस होता है वो किस प्रकार का शुगर होता है, आप लोगों को ये बताना है। जल्दी से आप लोग बताएं, ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा प्रश्न है, डीएनए में जो शुगर होता है वो किस प्रकार का शुगर होता है। ये दोस्तों इसका पीडीएफ आपको 10 से 15 मिनट के बाद कहां पर मिलेगा, दिस इज द टेलीग्राम चैनल जीएस बाय ज्ञान प्रकाश झा, यहां पर से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड जाकर कर सकते हैं 10 से 15 मिनट में, ठीक है। और सभी बच्चे वीडियो को क्या करते हुए जाएंगे, जिन्होंने भी लाइक नहीं करा है तो क्या करेंगे, इसको लाइक करते हुए जाएंगे, इसे क्या करते हुए जाएंगे, शेयर करते हुए जाएंगे। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ठीक है, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे दोस्तों, पादप कोशिका का मतलब प्लांट सेल, ऋषभ मुखर्जी जी, प्लांट सेल, है ना। और याद रखिएगा जो हमारा डीऑक्सीराइबोज होता है वो किस प्रकार का शुगर होता है दोस्तों, वो एक पेंटोज शुगर होता है। जबकि ग्लूकोज जो है वो एक किस प्रकार का शुगर है, ग्लूकोज जो है ये किस प्रकार का शुगर है, ये एक हेक्सोज शुगर है, इस चीज़ को याद रखेंगे। से मोनी कुमार जी, आपको यहीं पर कक्षाएँ अब मिलेगी तो आप समझ जाएँ इसका मतलब, है ना, क्लियर है। चलिए, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बताएं, किसी को भी कोई समस्या है तो आप लोग बताएं। और बाकी आपकी क्लासेस का जो शेड्यूल है, सुबह 8 बजे क्या होता है आपका, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, 11 बजे आपकी क्या चल रही है, इंडियन पॉलिटी चल रही है, और रात में 9 बजे ये 3000+ सीरीज चल रहा है ना। ये अभी 3 क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, आगे चल के नंबर ऑफ क्लासेस आपको हो सकता है ज़्यादा भी मिले, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। नहीं, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, अंक अकांशु त्यागी जी,
सेल वॉल जो प्लांट का होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है सेलुलोज का। फंगाई जो होता है ना कांसु त्यागी जी, फंगाई जिसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, उसका सेल वॉल काइटिन से बना होता है। ठीक है आकांशु जी, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है मन में। इस प्रकार अगर किसी को भी डाउट है ना तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा डाउट किसी के भी मन में हो, ठीक है ना। धन्यवाद गिलू शर्मा जी आपका भी, ठीक है। चलिए यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताएं। हाँ ऋषभ मुखर्जी जी, कल आप लोगों के लिए शुभम सर सरप्राइज लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग देखना नहीं भूलेंगे उनका सरप्राइज, कल आप लोगों को पता चल जाएगा उनके बारे में, है ना। बिल्कुल राम पुकार जी, हिस्ट्री का भी क्लास कराएंगे, आप टेंशन ना लें, चिंता ना करें, ठीक। और कोई दिक्कत किसी को, क्या दिक्कत है सोनू निगम जी बायोलॉजी में बताइए, आप जाकर लेक्चर देखिए, बायोलॉजी तो काफ़ी आसान सा विषय है। धन्यवाद शिवम कुमार जी आपका बहुत बहुत, बस मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मुझे बस दुआ ही चाहिए आप लोगों का, है ना शिवम जी, ठीक है। दुआ की ज़्यादा ज़रूरत है आजकल के इसमें, है ना, ठीक है। बस आप लोगों की दुआ ही हमारे लिए काफ़ी है, दुआ ही बस देते रहें आप लोग, ठीक। चलिए हाँ, एक प्रॉब्लम करवाने वाले थे, अब ये प्रॉब्लम टाइम हो चुका, ऑलरेडी सभी बच्चे जा चुके हैं, अब मैं ये प्रॉब्लम कल कराता हूँ, ठीक है ना। आप बता देंगे कल, याद दिलवा देंगे स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में ही वो न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में आप लोग बता देंगे जो न्यूमेरिकल कराने, ऐसा करता हूँ कल के क्लास के क्वेश्चन में ही शामिल कर लूँगा मैं वो न्यूमेरिकल, ठीक है। कल का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें मैं उस न्यूमेरिकल को शामिल कर लूँगा, ठीक है। अरे सेवा महापुर जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कहीं भी अच्छा चीज़ मिले आप वहाँ से प्राप्त कर लें, ठीक है ना, हमारा यही मानना है, कहीं भी कुछ आपको अच्छा मिलता है वहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हर शिक्षक का अपना अपना गुण होता है, हर कोई भी जिसके अंदर जो अपना होता है गुण वो अपना देते हैं, तो जहाँ से भी अच्छा चीज़ मिले ना वो आपको। गेलू शर्मा जी वो सिविल इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है गेलू शर्मा जी। धन्यवाद सिमोनी जी। अर्पिता सरकार जी बिल्कुल, हर छात्र के साथ मेरा आशीर्वाद है, मेरा तो यही मानना है, मैं तो यही मानता हूं कि हर बच्चे जो भी हमसे पढ़े हुए हैं सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। अब ये गुल्लू प्रधान जी, इसका आइडिया नहीं है हमको, ये मैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर से हम लोग सुबह की क्लास में 8 बजे की कक्षा में, करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।